भाषा शिक्षण के इस नए सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 मार्च के पहले आप लोगों के ज्वाइनिंग से संबंधित विवरण आना शुरू हो जाएंगे। कई विभागों का आने लगा है, जिसमें सीएजी ने आज अर्थात 6 तारीख को अपना विंडो खोला है और सीएजी ने यह कहा है कि आप इसमें ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए। ऑप्शन फॉर्म के साथ साथ आपको अटेस्टेशन फॉर्म भी दिया गया भरने के लिए। जो आपका ऑप्शन फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म में आपको स्टेट चॉइस देना है, किस राज्य में जाना चाहते हैं। ध्यान रहे, आपको इसमें जिला नहीं पूछा गया है, आजमगढ़, गोरखपुर, सुल्तानपुर या फिर कलकत्ता, बर्दवान, दुर्गापुर, इस तरह के जिले नहीं पूछे गए हैं। आप उसमें राज्य भरेंगे। भारत में कुल राज्यों की जो संख्या, उसके अनुसार हर राज्य की राजधानी में सीएजी के कार्यालय है। उसके अलावा छोटे छोटे शहरों में, जिलों में भी हो सकते हैं। तो अब इसमें आपको ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने लिंक खोला होगा। लिंक में जाकर के आप लोगों ने अपना विकल्प देख लिया होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन फॉर्म भरने का जो तरीका है, सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली क्षेत्र में रहना चाहते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मेरे दक्षिण भारतीय मित्र हैं जो चाहेंगे, केरल के जो लोग हैं चाहेंगे कि मुझे केरल, चेन्नई या आसपास मिले, और बैंगलोर के हैं जो है, और कुछ ऐसे मित्र हैं जो लोग मध्य प्रदेश के आसपास के हैं। मध्य प्रदेश वाले जो हैं उन्हें अगर कर्नाटक दिया जाए तो भी दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र दिया जाए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि नजदीक पड़ेंगे, पूरे देश के बीच में हैं। आप में से ज्यादातर जो लड़कियां हैं तो चाहेंगी कि मैं अपने शहर में रहूं ताकि दिक्कत ना हो, या फिर ऐसे जगह रहूं जहां से मुझे 24 घंटे में आने में असुविधा ना हो। अगर आप मेरा अनुभव पूछे तो कई शहरों में मैं घूमा हूं, तो मैंने देखा है चेन्नई शहर आज के समय में लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षित माना जाता है। जैसा कि मैंने वहां रह करके देखा है, अगर आप बस की यात्रा करते हैं तो लेडीज से वहां बसों में टिकट नहीं लिया जाता, थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बट लोग बड़े अच्छे हैं। तो आप चेन्नई जाना चाहें तो चेन्नई का ऑप्शन डाल सकती हैं। अगर आपको दक्षिण भारत से डर लगता है तो आप गुजरात क्षेत्र डालें, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। गुजरात क्षेत्र के बाद फिर आपको लगे तो आप महाराष्ट्र ले सकते हैं। सबसे अधिक अगर आप देखते हैं तो सबसे अधिक जो अभ्यर्थी हैं, वे अभ्यर्थी या तो वेस्ट बंगाल साइड के हैं, पश्चिम बंगाल अर्थात बिहार के लोग भी बंगाल में हैं, तो या तो पश्चिम बंगाल के लोग हैं या फिर दिल्ली और राजस्थान के लोग हैं, और बाकी जो बचे खुचे हैं वो हमारे देश के हैं, मतलब हमारे प्रदेश के हैं अर्थात उत्तर प्रदेश के हैं, एमपी के हैं। हर व्यक्ति अगर दिल्ली चाहे तो विभाग शायद ना दे पाए, लेकिन आपको अगर भरना है, देखिए अगर आप महिलाएं हैं तो मैं सलाह दूंगा कि इस जोन से हैं और आपको लगता है कि दिल्ली के आसपास रहे तो आप उसमें दिल्ली एक चॉइस डाल दीजिए, और अगर आपको लगता है कि दिल्ली नहीं जाना है, जैसे मैं प्रेफर नहीं करता दिल्ली, भीड़ भाड़ अधिक है, तो मैं सबसे पहली पसंद अगर मेरी पूछे तो मैं गुजरात प्रेफर करता हूं, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं वहां के। दूसरा अगर आप तमिलनाडु डालते हैं तो चेन्नई मिल सकता है आपको, चेन्नई ज्यादा अच्छा है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र डाल सकते हैं, चौथे नंबर पर दिल्ली डाल सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज देख लें आपको किस आधार पर जाना है। अगर आप साउथ इंडिया चाहते हैं, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बेंगलोर में जाना है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। वे अगर अपना फर्स्ट चॉइस कर्नाटक, केरल या ये चीजें देते हैं, तमिलनाडु देते हैं, तो उनके फर्स्ट चॉइस मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप जो भी चॉइस आपको भरना हो, उस चॉइस के लिए आप सबसे पहले आप उसमें लॉग इन करिए अपने यूजर आईडी पासवर्ड से। वेबसाइट का लिंक आपको मिल गया होगा, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां जाने के बाद आप पहले फॉर्म डाउनलोड कर लें, लॉक नहीं करेंगे, लॉक कर देंगे तो बाद में दिक्कत आएगी। उसके बाद आपके जो भी मम्मी पापा या जो शुभ चिंतक हैं अपने घर में, उनसे आप बात कर लीजिए। बात करने के बाद ये चॉइस पहले आप रफ एक पेपर पे होमवर्क कर लें, और मैं अगर मुझे भरना हो तो मैं इस रेंज में जाऊंगा, इसके बाद फिर मैं छत्तीसगढ़, बाकी राज्य भरूंगा। तो आप अपनी वरीयता देख लें। पश्चिम बंगाल में ज्यादा लोड रहेगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि कलकत्ता जोन से बहुत लोग होते हैं, और बिहार, बंगाल, झारखंड और कुछ उड़ीसा, इस प्रांत के लोग ज्यादातर कलकत्ता आना चाहते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि आप मेरिट में हाई नहीं, कलकत्ता आप छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद बाकी राज्यों का भरे, भरने के बाद फिर आता है आपका दूसरा विकल्प है, वो है अटेस्टेशन फॉर्म। थोड़ी देर और रुके रहिएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अटेस्टेशन फॉर्म में क्या है, आपका विवरण पूछा गया है। सिंपल सिंपल विवरण है, जैसे आपका आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, पेरेंट्स है, आपके ब्रदर सिस्टर है उनका नाम है 11वें कॉलम में, ब्रदर सिस्टर के अलावा आपका परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस के बाद आपका टेम्पररी एड्रेस है, टेम्पररी एड्रेस के बाद और भी कुछ जानकारियां पूछी गई हैं। इसमें एक ऐसी जानकारी मांगी गई है कि आप एक वर्ष से अधिक जिस स्थान पर रहे हो उस स्थान का पता दें। इसमें कई लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, एक वर्ष से अधिक जिस स्थान पे। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां हाजी नगर मोहल्ले में रहता हूं, हमारा जो मोहल्ला है इसका नाम है हाजी नगर। अब मान लीजिए हाजी नगर में किराए के मकान में मैं रहता था, मान लेता हूं मैं एक एक्स है 100 मीटर की दूरी में इस मकान में रहता था, मोहल्ला हमारा वही है, चाहे कानपुर का ले लीजिए चाहे जहां का भी आपके मोहल्ले का नाम होगा, इस मोहल्ले में यहां रहता था, बाद में 2 महीना हुआ मैंने मकान बदल लिया और मैं यहां चला गया, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे चला गया। अब ये जो 200 मीटर की मैं दूरी पर गया, तो मान लीजिए ये मेरा किराए का मकान रहा होगा या मेरा अपना मकान हो गया। अभी तक मैं मेरे जो पत्राचार होते थे सारे पत्राचार मेरे केयर ऑफ हाउस ऑफ करके आता रहा है, लेकिन अब चूंकि मेरा अपना मकान बन गया है तो आप कहां का पता डालेंगे। मोहल्ला एक, पुलिस स्टेशन एक, राज्य एक, जिला एक, तहसील एक, तो आवश्यक नहीं कि आप इस घर का ही नाम डालें, आप अपने नए घर का नाम डाल सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ष से अधिक ऐसे स्थान का विवरण देना है, जैसे मान लीजिए मैं फिलहाल कलकत्ते में हूं, थोड़े दिन पहले मैं सूरत में था, उसके पहले मैं माउंट आबू में था, उसके पहले मैं असम में था, तो मैं एक एक साल या दो दो साल जहां रहा हूं मैं अपना विवरण उस हिसाब से भरूंगा। आप भी अगर कार्य के सिलसिले में या किसी और कारण से साल दो साल ऐसे रहे हो तो आप अपना पता डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए भोपाल और इंदौर की मैं बात करूं, आप भोपाल और इंदौर 3 घंटे का रास्ता है, आप रोज सवेरे कॉलेज पढ़ने जाते थे और निकल आते थे फ्राइडे, तो जरूरी नहीं कि आप इंदौर में हैं तो भोपाल का पता दें। आप लॉजिकली जहां रहे हैं एक वर्ष रेसिडेंट हो गए वही पता दीजिए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मैं किसी कार्यालय में काम करता हूं, वहां पूछा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस देना है ना कि कार्यालय का पता। जैसे मान लीजिए मैं आयकर भवन में रहता था, ऑफिस है मेरा उसमें रहता तो नहीं था, तो मैं आयकर भवन नहीं भरूंगा, मैं वहां भरूंगा कि चेन्नई फलाना रोड, ये ऐसे करके आपको देना है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ लोगों को यह असुविधा है कि मेरे आधार कार्ड में तो मेरे मोहल्ले का नाम दूसरा लिखा हुआ, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, यहां मौजा करके एक आता है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको आप देखेंगे मौजा लिखा होगा, मौजा जैसे इसमें पश्चिम बंगाल में जो बांटा गया है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है, मान लेता हूं डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगना, 24 परगना उत्तर 24 परगना में, फिर आपका सब डिस्ट्रिक्ट आता है, सब डिस्ट्रिक्ट में आता है बैरकपुर 1, बैरकपुर 2, बारासात, इस तरह का आता है। इस सब डिस्ट्रिक्ट में जब आप आएंगे तो फिर ये मौजा आता है। घबराने की बात नहीं है, आधार कार्ड में जो डाटा लिया गया है वो आपका डाटा सैटेलाइट इमेज है या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर है, अक्षांश देशांतर के आधार पर है, उसमें यह विवरण हो सकता है, आपके अन्य कागजात में नहीं हो सकता। तो आप जब भरेंगे तो वहां डिस्ट्रिक्ट में बैरकपुर नहीं भरेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट उत्तर 24 परगना भरेंगे, आपका हर जिले का ऐसा ही होगा। उसके बाद मौजा का नाम, जैसे यहां मौजा है जदुनाथ बाटी या खास बाटी, इस तरह का मौजा है, तो मौजा का नाम आधार में चलने दीजिए। आपका अगर पता सही पता है, मान लीजिए नहट्टी 5 नंबर लाइन फलाना पिन कोड इतना, क्योंकि जहां आप जा रही हैं उनको मतलब है पिन कोड से, आपका पोस्टल कोड क्या है, आपका पोस्टल कोड हाजी नगर है तो आपका पिन कोड वही डालना है, आपका पोस्टल कोड चांददानी है तो चांददानी डालना है, जो भी है उसके अनुसार। तो मौजा अगर आप नहीं भी भरते तो चल जाएगा, अगर आधार कार्ड में भरा हुआ है तो भर देंगे तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मौजा जो है वो एक अदृश्य चीज है,
पहले किसी जमाने में हुआ करता था। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, एक वर्ष से अधिक जहां रहे वह विवरण भर देंगे, जो भी भरेंगे वह आप सही सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। महिलाएं हैं, जैसे मान लीजिए 6 महीने के अंदर फॉर्म भरा, फॉर्म भरते समय आप अविवाहित थी, आप रहती थी गोरखपुर में और आपकी शादी हो गई लखनऊ में, तो आप लखनऊ में जा बसी, तो आप अगर अभी लखनऊ का पता, चूंकि आपका पत्राचार जहां होगा आप लखनऊ का पता दीजिए, और ससुराल का पता, लड़कियां ससुराल बदल सकती हैं, पुरुष हैं तो किसी नौकरी में आप रहे होंगे, जरूरी थोड़े ना अभी एक के भरोसे रहे, तो आप बेहतर होगा कि आपका विकल्प का निकाल लें, आपका वो जो ऑप्शन फॉर्म है वो लेकर के आप एक डायरी में नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें और पहले आप भर करके रेडी कर लें कि कुछ गलती तो नहीं, क्योंकि एक बार लॉक कर देंगे तो आपको एडिट करने में असुविधा होगी। ध्यान रखें और इस आधार पर आप भरें, कोई अड़चन हो तो फिर हम मिलेंगे, मिलते जुलते रहते हैं, बात कर लीजिएगा।